वेलकम दोस्तों, मैं हूं तन्मय, आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल लायन टेक पर। दोस्तों वीडियो को शुरू पहले एक बात बताना चाहूंगा कि अगर मेरे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो नीचे नोटिफिकेशन उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि मैंने जैसे भी तो लूंगा आपको बस नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों मैंने आपको जून महीने का एक लेटेस्ट ट्रिक्स बताऊंगा, पेपल का वर्चुअल का ट्रिक्स। दोस्तों शायद आप सब लोगों को पता है कि पेपल पर वर्चुअल को लिंक करके हमें कैशबैक नहीं मिलते। बात दोस्तों आज का मेथड एंड प्रोसेस अलग है, जो मेथड एंड प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो आपको वर्चुअल कार्ड के थ्रू पेपल में कैशबैक आएगा। एंड दोस्तों पेपल के लिए कौन सा मार्चिंग पर बेस्ट ऑफर चले वो भी बताऊंगा, एंड इसका एनालिटिक्स भी बताऊंगा। तो दोस्तों जो भी अंत तक देखो एंड जो भी प्रोसेस एंड मेथड बताऊंगा अच्छे से फॉलो करो, आपको कैशबैक जरूर आएगा। एंड हो सकता है तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि रन करने का मौका सबका दो। देखो दोस्तों, तो सबसे पहले पेपल का लूट के लिए आपको खुद का वर्चुअल कार्ड जेनरेट करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, जो भी आधार वर्चुअल कार्ड का साइट है, जैसे एप्लीकेशन है, जैसे एसबीआई का वर्चुअल कार्ड मिलते हैं, एयरटेल का, मिनी क्वाइसी का वर्चुअल कार्ड मिलते हैं, मोबिक का वर्चुअल कार्ड मिलते, ऐसा वर्चुअल कार्ड अगर यूज करोगे तो दोस्तों अभी भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक नया एप्लीकेशन आज मुझे पता चला, तो वही एप्लीकेशन आपको वर्चुअल कार्ड मिल रहा है, तो दोस्तों वही वर्चुअल कार्ड का आपको यूज करना है। तो दोस्तों एप्लीकेशन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आईआरटीसी आई मुद्रा। तो आईआरटीसी आई मुद्रा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहीं पर क्लिक करना, आपको प्ले स्टोर में डायरेक्ट हो जाएगा। फिर देखो ऑप्शन है इंस्टॉल, इंस्टॉल में क्लिक करो, इंस्टॉल में वगैरह क्लिक करने के बाद ओपन करो। ओपन करने के बाद देखो उसमें गेट स्टार्टेड ऑप्शन है बॉटम पर, बॉटम पेज पर, तो क्लिक करो गेट स्टार्टेड में। गेट स्टार्टेड में जैसे क्लिक करोगे आपके पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जैसे आपका नाम एंड फुल नेम, ईमेल एड्रेस ऐसा, एंड आपको पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा। तो पासवर्ड सेट करने के लिए सोचे ध्यान रखना, आपका नाम मत डालो, पासवर्ड में नहीं लेंगे। तो मैंने आपको सजेशन दे रहा हूँ कि ABCD123@, आप कुछ भी डाल दो, बस मैंने आपको सिर्फ सजेशन दे रखा हो, दे दिया। तो फिर साइन अप करो, साइन अप करने के बाद आपको ओटीपी आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, ओटीपी वेरीफाई कर दो। तो ओटीपी वेरीफाई जैसे ही करोगे आपके पास तुरंत आईआरटीसी आई मुद्रा पर ऐसा होम पेज आ गया। देखो उसमें नीचे ऑप्शन है केवाईसी के लिए, तो आप फुल केवाईसी भी कर सकते हो, मिनी केवाईसी भी कर सकते हो। तो दोस्तों फुल केवाईसी के लिए तो आपको बस एक लिमिटेड डॉक्यूमेंट पड़ेगा, बट मिनी केवाईसी आप रैंडम डिटेल्स भी कर सकते हो। तो मैंने जो आपको आली ट्रिक्स बता रहा हूँ, तो आपको मिनी केवाईसी सिलेक्ट करना है। तो मिनी केवाईसी सिलेक्ट करो, तो आपको डॉक्यूमेंट पर आपको वोटर कार्ड सिलेक्ट करना है। तो वोटर कार्ड सिलेक्ट करना, मैंने वोटर कार्ड का सीरीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। तो वही सीरीज पर आप लास्ट 3 डिजिट XXX रहेगा, तो आपको वो कोई भी रैंडम नंबर डाल देना, तो डाल देना, आपका तुरंत केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको देखो उसमें लिखा है कि वर्चुअल कार्ड ऑप्शन है नीचे, तो आप गेट वर्चुअल कार्ड के लिए क्लिक करो, आपको तुरंत वर्चुअल कार्ड मिल गया आईआरटीसी आई मुद्रा पर। तो आपके पास वर्चुअल कार्ड आ गया। देखो दोस्तों आपके पास ऊपर देखो एक है टॉप अप वॉलेट, तो आप भी, तो आपको अगर अपने जो मैंने आपको सजेशन दूंगा, तो अभी इसके लिए आपको लोड करना है, अभी लोड कर लो, 400 रुपीज लोड कर लो, ठीक है। 400 रुपीज से आपका जितना जरूरत पड़ेगा आप वही लोड कर लेना। तो टॉप अप ऑप्शन है, उसमें आपको अमाउंट डाल देना, अमाउंट डालने के बाद आपको जो आपको अमाउंट मतलब आप पेमेंट मोड, इसमें यूपीआई से भी एड कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड लिए चार्ज है, तो आपको मैंने सजेशन करूंगा यूपीआई सिलेक्ट करना, यूपीआई पर रिक्वेस्ट भेज देना, अप्रूव कर देना, आपको तुरंत आईआरटीसी मुद्रा एप्लीकेशन पर अमाउंट, उतना अमाउंट लोड हो जाएगा, जितना आपका जरूरत है उतना लोड कर लेना। देखो दोस्तों इस बार आपको क्या करना है, एक पेपल का नया अकाउंट बनाना है। तो पेपल का एक नया अकाउंट बना लेना, मैंने पेपल का साइन अप लिंक डिस्क्रिप्शन पर देता हूँ, क्लिक करना उसमें। तो क्लिक करने के बाद साइन अप ऑप्शन पर देखो सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करना, सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करने के बाद आपका नंबर पासवर्ड दे देना। तो नंबर पासवर्ड देने के बाद आपका नाम, एड्रेस, ईटीसी वगैरह बेसिक इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देना। फिर साइन अप प्रोसेस जैसे पेपल पर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद देखो उसमें ऑप्शन है ऐड कार्ड। तो ऐड कार्ड पर आपने जो कार्ड अभी आईआरटीसी मुद्रा पर जेनरेट किया वही कार्ड का डिटेल्स आपने सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी अभी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप क्रॉस करके बैकप्रेस भी कर सकते हो, मतलब अभी पर आपको कार्ड जो है ना पेपल पर लिंक हो गया, ठीक है। दोस्तों देखो दोस्तों आपको इस बार मैंने आपको कुछ मार्जिन का सजेशन दे रहा हो, जो आपको पेपल के लिए कैशबैक दे रहा है। देखो दोस्तों मेरे पूछे तो बहुत मार्जिन पर पाता है कि बात उसमें कैशबैक आपको 5 डेज बाद आएगा,
तो उसमें 5 डेज बाद आएगा तो उसमें फायदा नहीं है। तो मैंने आपको कुछ मार्जिन का साइजन दूंगा जो उसमें आपको इंस्टेंट कैश पे मिलेगा। तो देखो दोस्तों, backup.com का एक वेबसाइट है, जैसे हम शॉपिंग कर सकते हो। तो दोस्तों backup.com पर अगर हम पेपल के थ्रू पेमेंट करूंगा तो हमें 100% कैश बैक, आपको 200 रुपीज इंस्टेंट मिलेगा। तो आपको पेपल का साइन अप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो backup को साइन अप कर लेना। साइन अप करने के बाद देखो दोस्तों, backup पर अगर आपने स्टार्ट या कुछ भी परचेस करोगे तो उसमें 200 से ऊपर मतलब 349 ऐसा से आपको अच्छा अच्छा प्रोडक्ट मिलते हैं। बात हमें पेपल के थ्रू हम जैसे पेमेंट करोगे ना तो हमें 100% कैश बैक, आपको 200 रुपीज मिलेगा। बात दोस्तों, मैंने आपको साइजन दूंगा, एक ट्रिक्स बताऊंगा जिसके मदद से आप backup पर मनी लोड कर पाओगे। वो जो मनी लोड कर पाओगे ना, वही लोड मनी से आप जितना अमाउंट मर्जी आप उतना अमाउंट का परचेस मतलब प्रोडक्ट खरीद लेना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, backup पर एक अकाउंट बनाना। अकाउंट बनाने के बाद आपको मोबाइल कवर सर्च करना है। मोबाइल कवर सर्च करो, फिर शॉर्ट बाय पर प्राइस लो टू हाई करो। तो प्राइस लो टू हाई करने के बाद देखो उसमें आपको 199 का एक प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 199 का कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, आपको एड्रेस वगैरह बाय नाउ करो, एड्रेस वगैरह डाल देना। एड्रेस वगैरह डाल देने के बाद आपको पेमेंट मोड पेपल सिलेक्ट करना है। देखो आपने पेमेंट मोड जैसे पेपल सिलेक्ट करना, उसमें ऑफर छोड़ा है कि 100% कैश बैक, आपको 200 रुपीज। तो पेपल में पेमेंट करो, पेपल के थ्रू पेपल सिलेक्ट करो, पेमेंट पेज आ जाएगा। जो जो पेपल अभी आपने बनाया, जो पेपल से अभी आपने वर्चुअल का लिंक किया आया किसी मुद्रा का, तो वही वर्चुअल वही अपने वही पेपल अकाउंट में से पेमेंट कर दो, लॉगिन पेमेंट कर दो, सीवीपी डाल देना। सीवी डालने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, जो ओटीपी आपने आया किसी मुद्रा से रजिस्टर किया वही नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी तुरंत डाल दो, ओटीपी जैसे सबमिट कर दो ना, आपका तुरंत ऑर्डर कन्फर्म, ऑर्डर सक्सेस हो जाएगा और आपको तुरंत 199 का कैशबैक। आपने 199 ऑर्डर किया तो आपको 199 कैशबैक आपको backup.com पर मिल गया, सॉरी पेपल पर मिल गया। दोस्तों इस बार आपको क्या करना है, जो backup पर आपने 199 का प्रोडक्ट ऑर्डर किया उसको आपको कैंसिल कर दो। तो आपको कैंसिल करने के माय अकाउंट देखो, और माय ऑर्डर है ऑप्शन, माय ऑर्डर में क्लिक करो। देखो उसमें लिखा है कि मॉडिफाई ऑर्डर, क्लिक करो मॉडिफाई ऑर्डर में। रीजन कुछ भी सिलेक्ट कर लो, रीजन सिलेक्ट करने के बाद आपको रिफंड backup वॉलेट से लो, बैंक मार्क सिलेक्ट करो, पेमेंट सोर्स मतलब एक्चुअल पेमेंट सोर्स मार्क सिलेक्ट करो, क्योंकि इसमें अगर आपने पेमेंट सोर्स में रिफंड लोगे तो आपको 45 डेज लग जाएगा, क्योंकि एक वॉलेट है बैंक नहीं है। तो मैंने आपको सजेशन दिया कि पेमेंट मोड backup वॉलेट सिलेक्ट करो, backup वॉलेट पर रिफंड लो। तो backup वॉलेट जैसे सिलेक्ट करोगे ना, आपको रिफंड इंस्टेंट आ जाएगा जैसे ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो आपको 199 backup वॉलेट में मिल गया एंड उधर से आपको पेपल में 199 कैशबैक आ गया। दोस्तों आपको जो कैश मिला है ना backup.com पर, वो कैशबैक आपको इंस्टेंट यूज नहीं होंगे, आपको 5 डेज बाद यूज होंगे। मतलब आज आपने ऑर्डर किया 6 जून, वो कैशबैक आपने 11 जून आपको यूज कर पाओगे। 11 जून आप 11 जून पर यूज कर लेना, अगर आपका कार ऑर्डर करोगे तो आप 12 जून पर यूज कर पाओगे। तो यही है टर्म्स कंडीशन पेपल में जो आपको कैशबैक मिला है। तो दोस्तों टेंशन के बाद कोई नहीं है, आप 5 डेज बाद यूज कर लेना। और इधर तो आपने तो आपका अभी तो लॉस कुछ नहीं है, आप तो 199 इसमें आपको बेको में मिल गया। तो दोस्तों इस बार आपने सेम पेपल अकाउंट पर जो आपने कार लिंक किया अभी रिमूव मत करो, क्योंकि दूसरा ऑफर आ रहा है ड्रीम इलेवन पर। अगर आपने ड्रीम इलेवन पर पेपल के थ्रू पेमेंट मतलब लोड करोगे बैलेंस, तो आपको 50% कैशबैक अप टू 100 रुपीज, सॉरी 50% कैशबैक अप टू 50 रुपीज मिलेगा 3 टाइम्स। तो आपको क्या करना है, 100 रुपीज लोड कर लो 3 टाइम्स सेम पेपल अकाउंट के थ्रू, तो आपको बार बार 50 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। वो कैशबैक आप इंस्टेंट यूज कर पाओगे। मतलब पहले 100 रुपीज लोड करो, आपको तुरंत 50 रुपीज कैसे मिलेगा, वही 50 रुपीज से और 100 रुपीज लोड करो तो और एक्स्ट्रा 50 रुपीज पे कर देना। यही करके आप सेम पेपल अकाउंट पर एक ही ड्रीम इलेवन पर 3 बार लोड कर सकते हो। दोस्तों तो आपको पता लग गया, तो अभी तक आपने जो कार्ड लिंक किया पेपल अकाउंट पर, तो आपने ड्रीम इलेवन पर 3 टाइम्स लोड करने के बाद एंड backup पर 1 टाइम ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, कार्ड को रिमूव करना है। देखो आपको कार्ड को रिमूव करने के लिए कार्ड ऑप्शन है, paypal.com पर विजिट करो, फिर कार्ड पर क्लिक करो। देखो नीचे ऑप्शन है रिमूव कार्ड, तो रिमूव कार्ड में क्लिक करके रिमूव कर लो। रिमूव करने के बाद आपको वही कार्ड आप दूसरे बार यूज कर सकते हो। तो आपने क्या करना, आप फिर एक नया पेपल अकाउंट बनाओ। नया पेपल अकाउंट बनाने के बाद कार्ड लोड कार्ड लिंक कर लो, सेम कार्ड को आप 2 बार लिंक कर सकते हो। तो पहले लोड किया, इस बार अपलोड होगा। तो लोड करने के बाद सेम ट्रांजेक्शन कर लो backup पर एंड सेम ट्रिक से ड्रीम इलेवन पर, तो ही कार्ड का आपको कैशबैक आपको मिल जाएगा एंड आपको कैशबैक को 5 डेज बाद यूज कर पाओगे। दोस्तों इसका आलिंग ट्रिक सही है कि आपको क्या करना है, इस बार आईआरटी से आई मुद्रा को क्लियर डाटा करना है। क्लियर डाटा करने के बाद आपको क्या करना है,
क्लियर डेटा कर लेना, क्लियर डेटा करने के बाद आप सेम प्रोसेस से नया का मोबाइल नंबर से रजिस्टर करो, आपको कैशबैक आपको मिल जाएगा, जो वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा वही वर्चुअल कार्ड को नया पेपर अकाउंट बनाओ, नया पेपर अकाउंट बनाने के बाद सेम प्रोसेस से ट्रांजेक्शन करो, आपको जरूर कैशबैक मिलेगा। दोस्तों यही है अनलिमिटेड ट्रिक्स। दोस्तों वीडियो के बारे में आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा आपको हेल्प और हेल्प करने का। मिलते हैं अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।